सभी भाइयों को राम राम। तो जैसे कि आज हम वर्कआउट करने वाले हैं चेस्ट और ट्राइसेप्स, तो ये ओनली बिगिनर्स के लिए। एक बार आप इस वर्कआउट को फॉलो करके ना, और उसमें जो मूवमेंट है और जो रेपिटेशन है, एक बार वो आप फॉलो करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड आपकी मसल्स पंप और मसल गेन, वो इसी के लिए ही पूरा प्रोग्राम है, ठीक है। और जिसको भी, यहाँ हमारा जिम है राजनगर गाजियाबाद एक्सटेंशन में, आप इधर आइए, और कोई चार्ज नहीं है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वर्कआउट भी कर सकते हैं, तो एक बार आइए और देखें। और जैसा कि भाई अपने नया चैनल है, तो सब लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। Out. If your enemy's a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day, leave the bones clean. I feed him all the hate, and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart. सभी भाइयों को राम राम। अपने विक्रांत भाई आज हमारे साथ में वीडियो में, और अपने पुराने भाई अमरजीत। तो आज हम करेंगे चेस्ट, और ये सब बिगिनर्स के लिए है, बहुत नॉर्मल और अच्छी वर्कआउट बताएंगे, वो भी गेनिंग और लिंग के दोनों का बात में। चलो थोड़ा वार्म अप हो जाए, 10 मिनट एक्सरसाइज से पहले 10 मिनट वार्म अप करेंगे हम। आओ दोनों, ये करो पहले, ये करो, ये करो, ये करो, थोड़ी जंप करो। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए जो वार्म अप है, तो वो बहुत जरूरी करना है। आइए, पुशअप्स, चेस्ट में पुशअप्स लगाना बहुत जरूरी है। तो पुशअप्स कैसे लगाएंगे मैं एंगल बताऊंगा। चलो विक्रांत भाई दोनों साथ लगाओ। हाँ, हमारे हाथ चेस्ट थोड़े बाहर होने चाहिए और शोल्डर थोड़े पीछे, चलो नीचे हिप्स उठा कर रखो। आइए स्लो स्लो, झटका नहीं मारना, पूरी बॉडी ऊपर उठाओ यहाँ से। चलो हाँ, हाथ जो है शोल्डर थोड़े पीछे और चेस्ट बाहर, टच करके जाना होता है पूरा नीचे। चलो गुड, तो इसके भी हम 3 सेट करेंगे। बस 15-20-25 10-10 के जो पहले सेट में जितना रैप निकलेंगे उतने ही 3 सेट में निकालने हैं, ठीक है। लेंगे फ्लैट बेंच डंपल प्रेस। तो डंपल प्रेस बिगिनर्स के लिए बढ़िया है, क्योंकि अगर हम बार बार कर्ल मारते हैं, बार बार रोल मारते हैं, और बार बार चेस्ट प्रेस मारते हैं, तो वो पहले ही 15-20 किलो की होती है, तो बिगिनर्स के लिए आसान नहीं है, हो सकता है इंजरी हो जाए कुछ भी। तो हम डंपल प्रेस स्टार्ट करेंगे। चलो लगाने हैं कम से कम 12 रैप निकालने हैं, और इसकी सही पोजीशन डंपल की, बहुत से लोग पता है डंपल कैसे लगाते हैं, ये सीधा लगाते हैं, तो सीधा नहीं लगाना, ये स्क्वीज, चलो हाँ टच, ऊपर टच करना होता है सबसे बढ़िया, गुड, सही तरीका इसका यही है। चलो 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 चलो, बस हाँ बढ़िया, टू ये थ्री गुड, लो फोर गुड, फाइव गुड, सिक्स गुड, सेवन गुड, एट बढ़िया, नाइन बोलो, टेन बोलो, सेवन वन मोर लास्ट, बस आइए इंक्लाइन बेंड 3 सेट्स, ओके। तो ये बिगिनर्स के लिए ओनली, तो इसलिए अपने आप अपने हिसाब से वेट लगाना, भले आप 5 से 7 से या 2 से 1 जितना भी आप लगा पाओ सही मूवमेंट के साथ। चलो 12.5 ले लो, वही रहेगी, आर बना के रखना है,
गर्दन नीचे, चेस्ट भार उठाकर रखनी है, ठीक है। स्लो वन, हल्का डबल झुका कर रखो चेस्ट की तरफ को, उठाओ ये, यस गॉट। वेट उतना लिफ्ट करके जितना आप लगा सको, बट इतना भी हो ताकि आपकी चेस्ट मूवमेंट कर सके। चलो गुड गुड गुड। गेन के लिए हमें 10 से 12 रैप मारने बहुत जरूरी है, एंड अगर हमें लीन करना है तो आप 15 20 25 भी रैप मार सकते हो। तो बिगिनर्स के लिए गेन की वर्कआउट हम बता रहे हैं, वेट इतना लिफ्ट करो कि उठे, हम 10 से 12 रैप आराम से होने चाहिए, चेस्ट नीचे उठा कर रखो। विक्रांत भाई अच्छे बॉडी बिल्डर है हमारे, अच्छा वेट मार रहे हैं, लेकिन वीडियो के लिए कम वेट मार रहे हैं। चलो 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 चलो, बस बिल्डर ऐसा नहीं है, आप लोगों को वीडियो के बिगिनर्स के लिए हल्का वेट मार रहे हैं, तो आ जाओ। और हमारे पाजी की तो आप जानते हो पुरानी वीडियो से ही, पाजी दिखाना जरा, ये मतलब पाजी कपड़ा तानो तैयार रहते हैं, अभी तो आधी लिखाई। चलो तो भाई फ्लैट बेंच इंक्लाइन बेंच, अब हम कराएंगे केबल क्रॉस ओवर, ठीक है। चलो हम करने वाले हैं अपनी लोअर चेस्ट के लिए, तो उसकी सही पोजीशन सबसे पहले बता देता हूँ, लोगों का कैसा खड़े होता है, लेकिन मैं हल्का सा बैंड होना है, हल्का झुको, ठीक है। ये बैंड इसलिए ताकि जो लोअर चेस्ट हम मारेंगे ना तो स्क्वीज पूरा हो। चलो छोड़ो सिलो, और हाथ सिर्फ इतना ही, जितने हाथ आगे खोले हुए इतने आगे आएंगे, कुछ सीधा नहीं करना, कुछ नहीं करना है। हाँ डालो, और इसको पूरा ऊपर तो छोड़ो, छोड़ो छोड़ दो ऊपर, ये पूरा स्क्वीज होना चाहिए आप यहाँ से पूरा, ठीक है। चलो वन, चलो टू थ्री, लोअर चेस्ट करो, ये रोइंग करो, स्क्वीज करो, रोइंग करो, स्क्वीज करो, चेस्ट बाहर करो, उठा के लो पूरा खींच के, होल्ड कर रहे थोड़ा सा, ये कोई स्पीड नहीं बढ़ानी है, जैसे ऊपर जाएगा वैसे ही आगे आएगा। चलो बढ़िया, चलो चेस्ट बाहर निकालो, यस गो, चलो कौन खड़े ऊपर आ जाओ, कौन ऊपर आ जाओ, गुड गुड गुड, बस वर्कआउट के बाद स्क्वीज करनी है अपनी बॉडी को, कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, हर वर्कआउट के बाद चेस्ट कर रहे हो चेस्ट, बाइसेप्स कर रहे हो बाइस, शोल्डर कर लो शोल्डर, हर किसी को स्क्वीज करो, चेस्ट बाहर निकालो, हल्का सा बैंड हो जाओ, बस ये ऊपर दे, ये छोड़ो ऊपर, हिलो मत, चेस्ट है ना, यस गुड, ये देख रहे हो ना, ये पास छोड़ो ऊपर, और ये खींच, हाँ गुड, अच्छो नीचे पूरा, यहाँ तक टच करो, गुड 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 गुड, वेरी गुड, चलो 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 चलो, बस चलो। चेस्ट प्रेस मशीन बहुत नॉर्मल है, हर जिम में कंपलसरी मिल भी जाती है और अच्छी होती है बिगिनर्स के लिए। सबसे पहले अपना सेट करिए मशीन को, और इसका सही मोमेंट यही है कि शोल्डर से ऊपर ना जाए हैंडल, ठीक है। वेट अपने अकॉर्डिंग सेट करिए, तो वेट अपने अकॉर्डिंग ही सेट करें, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हाई वेट लिफ्ट करें, और उसके बाद इसको सबसे पहले मूवमेंट सेट करना है, आर बनाकर रखना है इसके अंदर भी, चेस्ट बार उठा के पुश करना हथेली से, ये ठीक है, ये शोल्डर से डाउन रहेंगे हल्के हाथ, सीधे नहीं चलेंगे, सीधे चलेंगे तो आपका शोल्डर ही चलेगा, इसलिए थोड़ा डाउन रखोगे और लोअर चेस्ट उठा के चलोगे, ये लोअर चेस्ट से अपर चेस्ट तक, ये वेट बढ़ा लो, हर सेट पे वेट बढ़ाना है,
चाहे आप 1 किलो बढ़ाओ, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, जितना आप लिफ्ट कर सकते हो उतना वेट गेन बड़ा लग रही है। चलो हाँ गुड, गर्दन पीछे रखो, गर्दन नहीं चलानी है, ओनली हमें वर्कआउट कर रहे हैं तो अपना चेस्ट फोकस करना है। हल्के से कोने ऊपर रखिए, ज़्यादा नीचे जा रही है, कंधे नीचे रखो, बस अब दो चलो, कंधा कंधा चल रहा है, 1 मिनट थोड़ा फुल आगे बैठो, पीछे होकर बैठो, चेस्ट पीछे आर बनाओ पूरा, चलो करो लिफ्ट, हाँ छोड़ो पीछे, जाओ पीछे तक छोड़ो उसको, ये उठाओ, बढ़िया बढ़िया, चलो चलो बस, हाँ चेस्ट बिल्कुल बाहर, ये बढ़िया गुड, ये देखिए गुड, चलो आराम आराम से चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड, वेरी गुड, चलो गुड चलो गुड चलो गुड चलो गुड चलो गुड चलो, बस बहुत बढ़िया बढ़िया। एक बार चेस्ट स्पीड कर दिखाओ इन सबको, ये यहाँ सही रखो और टाइट करो, सांस बाहर छोड़ो और कम से कम भी 5 से 6 सेकंड का होल्ड करो, आप भी करके दिखाओ एक बार, देखो हाँ ये सही तरीका जरूरी है, ये गुड बढ़िया बढ़िया, आइए जैसे आप बोलते हैं बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई सबसे पहले हमें सेट करनी है, बहुत से जिमों में ये सेट वाली भी आती है जो अपने आप ही सेट होती है, तो हमारे जिम में एक्चुअली इससे हम काफ़ी सारी वर्कआउट करते हैं, हाँ सबसे पहले तो वही अपना मूवमेंट सेट करना होता है कि कहाँ पर, ये ठीक है इसका भी वही है, पूरी बॉडी में हथेली पे ही पुश करना है, ऐसा पकड़ना है और चेस्ट उठा कर रखना है, गैप रखना है, आर बना के चेस्ट में आर बहुत जरूरी बना होना चाहिए ताकि आपकी चेस्ट बाहर रहे, और पूरा पुश करना है, 1 2 ठीक है चलो, वेट बढ़ा लो, चेस्ट बाहर रखिए, उठा के रखिए, हाँ पूरा पीछे तक रोइंग करते हुए जाना है, आगे स्क्वीज करना है, ठीक है जितना पीछे रोइंग कर सकते हो, चेस्ट बाहर रखिए, उठा के रखो, चलो गुड बढ़िया, फोकस बढ़िया बढ़िया गुड, चलो 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 चलो, बस चलो सीधे को बैठो, पहले थोड़े पैर खोलो, चलो चेस्ट बाहर रखो, उठा के लो, हाँ फोकस, गर्दन नीचे रखो थोड़ी सी, फोकस रखो अपना, चेस्ट बाहर रखो, बस सीधा, ये गुड वेरी गुड, शाबाश चलो चलो बढ़िया, बस तो हमारी चेस्ट की 5वीं वर्कआउट है, तो विक्रम भाई कैसा फील हो रहा है 5 वर्कआउट करके? बहुत अच्छा, कैसा लगा 5 वर्कआउट करके? ऊपर फाइबर विजुअल हो रहे हैं, देख लीजिए, ट्राइसेप्स का पहला सेट होगा हमारा रोप पुश डाउन, कंपलसरी हर जिम में होती है, रोप से ही मार सकते हो, बैंडल से मार सकते हो, रोप से मारने का अपना बेनिफिट क्या है, इसको हम खोल के फुल स्क्वीज कर सकते हैं, बंद करना है, सही तरीका भी यही है, ऊपर बंद करना है, नीचे खोलते हुए जाना है, बहुत सबको पता नहीं होता सीधा ऐसे लगा रहे हैं, तो इसका सही तरीका वेट चाहे जितना मारिए 1 2 3 4 प्लेट जो भी हो, ऊपर बंद रहेगी, स्टेबल रहोगे एक जगह और स्क्वीज करते जाओगे, ये खोला
फिर बंद करा, फिर खोला। चलो तो सही तरीका मैं आपको एक बार रोप को स्विच डाउन करने का बताता हूँ। रोप ये हमेशा यहाँ से बंद रहेगी, ठीक है। चलो हाँ ये खोलो, गुड, ये देखो ना। तो चलो अब ये स्लो स्लो लेके ये ट्राइसेप्स हमें पूरी ही, और इसमें झटके नहीं मारने हैं, बहुत स्लो लेके जाना है ताकि मसल्स पूरा अपना काम करे, पूरा वर्क हो मसल्स के ऊपर। गुड गुड गुड। आप वीडियो में देख के आराम से अपना मूवमेंट बना सकते हो, पूरी वीडियो इसलिए ही डाल रहे हैं ताकि जो है आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। सही तरीका बहुत जरूरी है। बढ़िया, गुड, बस थोड़ा आगे हो जाओ, चेस्ट बाहर निकालो, पीछे लो बस, यहाँ अब लो ऊपर, ये गुड, बढ़िया है तो नीचे, यस गुड, यस गुड, आवाज, यस लो, गुड गुड, चलो हाँ चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बढ़िया, बस। आप देख सकते हो विक्रांत भाई को ट्राइसेप्स के पहले सेट में इतना मजा आ रहा है, दिखा ना ट्राइसेप्स तो इतना इफेक्टिव है ये वर्कआउट, आप एक बार फॉलो करके देखना सही तरीके से, मजा आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट वर्कआउट है हमारी ट्राइसेप्स बेंट ओवर पुश डाउन। इसमें एक हमें ये सीधा हैंडल चाहिएगा, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे इसको, ये आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, वेट अपने हिसाब से रखते हुए आप ऐसे भी लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हो, अगर आप बैलेंस बना सकते हो और अपना सही है आपका तो ये लगा सकते हो आप, कान को सीध में रखना है और यही तो सीधा खाएगा वन, ठीक है, बस सुनो कान के सीध में रखना है यहाँ पे, गर्दन थोड़ी डाउन करनी है ये, और इसको सीधा ही पुश करना है, गुड, ठीक है, ये देखिए पूरा ही मूवमेंट, पूरा असर इसका ट्राइसेप्स पे ही जा रहा है, तो इसको आप इस तरीके से मारने ज्यादा बेटर रहेगा, गुड, वेरी गुड, चलो 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 जोर लगाइए, सीधा करो, गुड गुड, शाबाश, चलो चलो, थ्री मोर, वन गुड, हैंड अप, टू, वन मोर, एक और लास्ट, वन मोर, बस बढ़िया, हाँ चेस्ट प्रेस, इसके बाद वो फ्लाई इंक्लाइन फ्लाई सेट कर लियो, से तीन सेट मार, हाँ संडे में आ जाओ, संडे में तेरे साथ वीडियो बनाएंगे, हाँ सिलो विक्रांत भाई आराम से सिलो सिलो, बस ये सीधा करो, ये गुड, चलो 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 चलो, गुड वेरी गुड, चलो लो बस, एक बार ट्राइसेप दिखाओ सही तरीका, ये हाँ ये देखो बढ़िया, वैसे तो हम ट्राइसेप लगा रहे हैं लेकिन एक बार बाइसेप बनाना है, टाइट करो, ये पोज बनाने में ही बहुत ताकत लग जाती है, अगर आप वर्कआउट करते करते पोज बना रहे हो तो बेस्ट है, बढ़िया गुड, आप कंडीशन देख सकते हो विक्रांत भाई की, बढ़िया अभी थोड़ा सा इनको करेंगे तैयार, अभी तो करेंगे इनको तैयार अभी,
तो तेरी पंप हो गई, वो कर ही नहीं पा रहे हैं। स्लो स्लो, आराम आराम से स्लो। अब लोग चलो, हिलो मत, हिलो मत, सीधा रखो, ये रखो, सीधा रखो, हिलो मत बिल्कुल, स्लो। गुड गुड, वेरी गुड। बढ़िया बढ़िया, थोड़ा सा आगे से सीनी, थोड़ा आगे से भी लिया करो घुमा के, बस अब बना रहा, थोड़ा साइड से लेगा ना, आगे से भी जैसे आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे वेट बढ़ाना है तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, तरीका फॉलो करना। चलो हल्का सा अपने पार्टनर से शोल्डर पर पुश कराना और आप ना देखना कितना इफेक्टिव होगा। चलो ये 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 ये, चलो 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 चलो, बस कैसा लगा? बहुत अच्छा जी, ये हल्का सा ही पुश करते हैं, आपको देखना कितना बढ़िया लगेगा। तो वेट वेट मत बहुत से, यहाँ वेट रख लिया, ये रख लिया, जरूरत नहीं, मतलब पुश करा लो, बस गर्दन नीचे रखिए, हिप्स पीछे, अब यहाँ से खाचे पूरे, ये होल्ड मत करो, दो चलो, तीन चलो, चार चलो, पाँच चलो, छः चलो, चलो 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 चलो, कैसा लगा? हल्का सा ही पुश करा और तुरंत चेंज आता है वर्कआउट में, मोमेंट में, हर चीज में। तो ये हमारी कंप्लीट वर्कआउट, तो थोड़ा सा हल्की सी बॉडी दिखाते हैं आपके पाजी की। पाजी एक बार जरा निकालिए, हाँ ठीक है, तो थोड़ी सी पोजिंग और करके बताएंगे कि पोजिंग वर्कआउट तो हो गई, तो पोजिंग में थोड़ा फोकस करते हैं। तो एक बार जरा पाजी जरा डबल बाइसेप्स पोज मारिए, हाँ नीचे से पहले दोनों पैर बराबर होंगे, ये ऐसा खोलिए हल्का सा, बस ठीक है, और पूरा ही पूरा लेके जाना है ये, चलो टाइट रखना है पूरा बॉडी को, ये ऊपर लो, आ जाओ फिर अंदर, खींचो साथ, बाहर छोड़ो और खींचो, ये यस गुड। तो पोज भी साथ में साथ आपको सिखाते रहेंगे, हर बार कुछ नया, ठीक है, साइड चेस्ट हल्का सा, ये पैर और आगे लो हल्का सा, क्या मिला के, ये भी फोल्ड करो, ये भी फोल्ड करो, ठीक है, और इसमें पहले ऐसे इस तरीके से करके पूरा ट्राइसेप दिखाना है और फिर ये लेना है, ठीक है, चलो हाँ ये यहाँ से ये साथ छोड़ो, जितना ले जा सकते हो साथ छोड़ो पूरा, क्योंकि इसमें यहाँ से आपको ये ओब्लिक सेप्स भी दिखाने होते हैं, साइड चेस्ट के साथ ये भी जल्द पूरा करता है, बस बढ़िया। एक आपको एक बार राइट अबाउट जो हमारा पोज है मैन फिजिक वाला, मारिए साथ छोड़ो बाहर, जो पूरा फ्रंट दिखा हुआ है पूरा साथ छोड़ो, तो अभी 2 महीने बाद हमारे पाजी दोबारा खेलेंगे गेम, ठीक है। विक्रांत का जैसे कि आपने आज वर्कआउट जो हमने करी है देखी भी, तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है या कुछ भी आपको लग रहा है, जैसे भी लग रहा है, एक बार आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप जो मेरा आप देख रहे हैं ऊपर मेरा नंबर आ रहा होगा, तो आप कुछ भी उसमें सजेस्ट, आपको कुछ भी पूछना है मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चाहे गेन लीन या सही वर्कआउट के लिए, तो एक बार आप कॉन्टैक्ट करना कुछ भी आपको लगे। और बॉडी के अकॉर्डिंग अगर कोई मुझसे मिलना भी चाहता है, जैसे भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं आप आके मिल सकते हैं, हमारा जिम राजनगर रेक्सटेंशन गाजियाबाद में है, इन सेफ जिम गोर कैस्केड्स, तो आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, मैं आपको यहीं मिलूंगा। थैंक यू सो मच, और एक बार लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपका आप सभी का प्यार बना रहा, ऐसी सपोर्ट रहा, तो आगे आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो, मोटिवेशन वीडियो
एंड अभी कुछ मेरे जो मेरे भाई हैं, मेरे क्लाइंट भी हैं और ये सब अभी प्रेप पे जाने वाले हैं कॉम्पिटिशन की, और इसमें लीन सीरीज और गेन सीरीज दोनों ही आपको मिलेगी, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए अपना, एंड थैंक यू सो मच।